खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है। इस बार M3 सीरीज की आधुनिक EVM मशीनों से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। इससे पहले M2 सीरीज की EVM मशीनों से चुनाव करवाए जाते थे। जिला कलेक्टर दिनेश चंद जैन ने बताया कि M3 सीरीज की EVM मशीनें काफ़ी अच्छी है। इनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है तो वो डिस्प्ले हो जाती है, साथ ही कनेक्टिविटी की समस्या भी नहीं आएगी। EVM मशीनों को M3 मॉडल काफ़ी नवीनतम अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें काफ़ी सुधार किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर से हमें M3 सीरीज की 1846 बैलेट यूनिट और 1549 कंट्रोल यूनिट प्राप्त हुई है, जिनके प्रथम स्तरीय जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु से आई 11 सदस्य इंजीनियर्स की टीम 11 जुलाई से कर रही है। मंगलवार तक 1710 बैलेट यूनिट एवं 510 कंट्रोल यूनिट की जांच कार्य पूरा कर लिया जाएगा। संभवतः अगले एक सप्ताह में इनकी जांच का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो वहीं इस दौरान निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर के साथ सूचना जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, जिला संख्या की अधिकारी विनोद गुदारा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी शैलेंद्र कुमार, निर्वाचन शाखा प्रभारी हंसराज और सुभाष के अलावा बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी साथ थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि नए वोटर्स को जोड़ने के लिए जिले में 27 जुलाई को चिन्हित स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए वोटर्स को इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। खास बात ये रहेगी कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसका वेरिफिकेशन करवा कर उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। उनके द्वारा होंगी। पहले तक जो हमारे पास बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट थी, जिससे हम चुनाव कराते थे, EVM मशीन्स, वो M2 सीरीज़ की थी। इस बार M3 सीरीज की नई मशीन हैं, उनसे चुनाव कराया जाएगा। हमारे को जो बैलेट यूनिट है इस M3 सीरीज की, वो 1846 मिली है। इसी तरह जो कंट्रोल यूनिट हैं वो हमारे को 1549 मिली है। उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है, संभवतः वो एक सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद VVPAT आएगी और VVPAT का भी इसी तरह से सभी VVPATs का हम जो है चेकिंग करेंगे, उसी के बाद उनको काम में ली जाएगी। केवल इसमें यही बताने की बात है कि इस बार ये अच्छी मशीन हमारे को मिली है, जिसमें किसी भी तरह का कोई एरर है तो उस पर डिस्प्ले होता है, और इनका कनेक्टिविटी इत्यादि की जो समस्याएं पहले रहती थी वो अपेक्षाकृत इसमें कम रहेंगी। इसके अतिरिक्त वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 31 जुलाई को कर दिया जाएगा, जिसमें वोटर जो है प्रत्येक अपने पोलिंग स्टेशन पर जाके या जो ERO हैं उनके यहाँ जा कर के अपने वोटर लिस्ट में नाम देख सकते हैं। यदि किसी का नाम नहीं जुड़ा है अथवा गलत जुड़ा है या कोई डेड वोटर है उनके ध्यान में आता है, तो अगर हमारे ध्यान में लाया जाता है तो अकॉर्डिंगली उसमें कार्यवाही की जाएगी। नए वोटर्स को जोड़ने के लिए विशेष रूप से 27 जुलाई को सेलेक्टेड जो हमारे कॉलेज हैं और स्कूल्स हैं उनमें प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, और जो नए वोटर्स हैं उनको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से वो वोट अपना किस तरह से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ा सकते हैं। मैं एक और इस तथ्य को बताना चाहूँगा कि इस बार ऑनलाइन आवेदन जो है वोटर लिस्ट में जुड़ाने के लिए किए जा सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपना ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है, इसका नाम